हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी सी प्रोग्रामिंग सीरीज में, जहां पर दोस्तों हम मॉड्यूलस ऑपरेटर डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर दोस्तों हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर डिस्कस कर लिया था। अगर दोस्तों आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज एक बार उसे रेफर कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, मॉड्यूलस ऑपरेटर। दोस्तों मॉड्यूलस ऑपरेटर को बेसिकली हम परसेंट ऑपरेट सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर दोस्तों होता क्या है, क्यों यूज करते हैं? बेसिकली मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है दोस्तों रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज होता है। रिमाइंडर बोलूं या फिर शेषफल, मतलब शेषफल या रिमाइंडर फाइंड करने के लिए ही हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स दोस्तों इस तरीके का होता है, एल मॉड्यूलस आर। एल क्या है? लेफ्ट हैंड साइड का ऑपरेंड है हमारा। आर क्या है? राइट हैंड साइड का ऑपरेंड है। उसके बाद सेमी कॉलन। दोस्तों एल और आर, इसका मतलब क्या हो गया? ये एक बाइनरी ऑपरेटर है जिसमें दो ऑपरेंड रिक्वायर्ड होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पर, एक राइट हैंड साइड पर। अब दोस्तों हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि एल और आर के बीच में जब मैं मॉडुलस परफॉर्म करूंगा तो एक रिमाइंडर आएगा, कुछ रिटर्न करेगा ये रिमाइंडर। और क्वेश्चन ये आता है उस रिमाइंडर का साइन क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो दोस्तों वैसे तो मॉडुलस ऑपरेटर में रिमाइंडर का साइन जो है वो कंपाइलर डिपेंडेंट होता है, मतलब हर एक कंपाइलर के हिसाब से वो बदलता रहता है। कुछ कंपाइलर में कभी और माइनस आता है, कुछ कंपाइलर में किसी और रीजन से माइनस आता है, उसे हम ये नहीं कह सकते कि कब माइनस आएगा। पर दोस्तों अगर आपके क्वेश्चन में, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या वहां पे कंपाइलर डिपेंडेंट ऑप्शन नहीं है तो उसके लिए फिर स्टैंडर्ड आंसर है कि स्टैंडर्ड आंसर क्या होता है। तो दोस्तों स्टैंडर्ड आंसर ये होता है कि जो साइन हमारे लेफ्ट हैंड साइड के ऑपरेंड का होगा वही साइन क्या होगा? हमारे रिमाइंडर का होगा। तो दोस्तों अगर कंपाइलर डिपेंडेंट आंसर नहीं है, अगर कंपाइलर डिपेंडेंट आंसर है तो आपको वही लगाना है, और अगर वो नहीं दिया है तो फिर स्टैंडर्ड आंसर होता है कि लेफ्ट हैंड साइड के ऑपरेंड का जो साइन होगा वही साइन किसका होगा? आपके रिमाइंडर का होगा। अब दोस्तों क्योंकि दो ऑपरेंड के बीच में मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं तो उन दो ऑपरेंड का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों मॉडुलस ऑपरेटर तभी हम परफॉर्म कर सकते हैं जब वो दोनों ऑपरेटर कैसे हों, दोनों ऑपरेटर इंटीजर हों। अगर उनमें से एक भी ऑपरेटर इंटीजर नहीं है तो ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। मॉडुलस ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ दो इंटीजर के बीच में ही परफॉर्म होता है। अगर उनमें से एक भी ऑपरेटर इंटीजर की जगह फ्लोट है, फ्लोट मीन पॉइंट में है, दशमलव में है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो दोस्तों वहां पर मॉडुलस ऑपरेटर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो एरर दे देगा। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना कि जब आप मॉडुलस ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हो, मॉडुलस ऑपरेटर की हेल्प से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो दोनों ऑपरेंड कैसे होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। आगे दोस्तों मैंने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मॉडुलस ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। जैसे मैंने लिखा है 15 मॉडुलस 3, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, आप 3 से डिवाइड करोगे 15 को, 5 टाइम्स जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों? रिमाइंडर 0 बचेगा, इसलिए यहाँ पे 0 रिजल्ट आएगा। 21 मॉडुलस 2, 10 टाइम्स डिवाइड होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा, इसलिए 1 आंसर। 12 मॉडुलस 8, 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों? 4 बचेगा, इसलिए 4। 16 मॉडुलस 1, दोस्तों 1 को आप किसी से भी डिवाइड करो वह कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, इसलिए रिमाइंडर यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0। 27 मॉडुलस 7, दोस्तों 3 टाइम्स जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर हमारा 6 बचेगा। दोस्तों इस तरीके से जो है मॉडुलस ऑपरेटर वर्क करता है। आगे दोस्तों एक्सरसाइज के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, आपने वीडियो को पहले पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद एक एक को सॉल्व करिएगा और देखते हैं आपका रिजल्ट और हमारा रिजल्ट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले दोस्तों हमारा क्या 47 मॉडुलस 5, तो दोस्तों अगर मैं 47 का मॉडुलस 5 करूंगा तो आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? क्या रिमाइंडर बचेगा? 2 रिमाइंडर बचेगा, तो ये 2 रहा। अगर मैं 47 मॉडुलस -5 करूंगा दोस्तों तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो रिमाइंडर तो 47 और 5 का आएगा कितना? 2। बात आती है उसका साइन क्या होगा। दोस्तों -5 से क्या साइन पे कुछ फर्क पड़ने वाला है? जी नहीं, साइन पे सिर्फ किससे फर्क पड़ता है? लेफ्ट हैंड साइड के ऑपरेंड से। वो कैसा है? वो पॉजिटिव है, इसलिए हमारा आंसर क्या आने वाला है? +2 ही आने वाला है। ये लीजिए अगला क्या हमारा -47 मॉडुलस 5। जी हाँ, अब यहाँ पर जो है वो साइन पर डिपेंड करेगा, किसके साइन पर? लेफ्ट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड का साइन क्या है दोस्तों? माइनस है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? -2 आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो -47 मॉडुलस -5। अब दोस्तों अगर यहाँ पर डिवाइड होता तो
तो डिवाइड क्या करता है, दोनों माइनस को कैंसिल कर देता है। पर मॉडुलस ऑपरेटर में ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि मॉडुलस ऑपरेटर में राइट हैंड साइड ऑपरेंड के साइन को तो हम इग्नोर कर देते हैं, हमें सिर्फ किससे लेना देना है, लेफ्ट हैंड साइड के ऑपरेंड के साइन से। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के ऑपरेंड का साइन देखेंगे जो क्या है, माइनस है, इसका मॉडुलस आंसर क्या आएगा, टू। तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस टू। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी, कब माइनस लेना है कब प्लस लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो 5 मॉडुलस 2, ये तो बहुत सिंपल है, आंसर कितना आएगा, 2 टाइम्स डिवाइड कर देगा तो आंसर आएगा कितना, 1, ये रहा 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या, 2 मॉडुलस 5। अब दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो 2 मॉडुलस 5 बेसिकली दोस्तों 2 क्या ऐसा है, आप ये देख सकते हो, लेफ्ट हैंड, जब भी लेफ्ट हैंड साइड का ऑपरेंड राइट हैंड साइड के ऑपरेंड से छोटा हो तो मॉडुलस करने की जरूरत ही नहीं, उसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, उसका आंसर वही आएगा जो लेफ्ट हैंड साइड का मॉडुलस, जो लेफ्ट हैंड साइड का ऑपरेंड है 2 है, तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। अगर ये 3 होता तो 3 आता, अगर ये 4 होता तो 4 होता, अगर ये 1 होता तो 1 आता, अगर ये 5 होता तो तब करना पड़ता, क्यों, क्योंकि 5 और 5 कह सकते हैं इक्वल होते हैं, जब तक छोटा है लेफ्ट हैंड साइड का ऑपरेंड तब तक तो आंसर वही आएगा जो लेफ्ट हैंड साइड का ऑपरेंड है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो 12.0 मॉडुलस 4, इसका आंसर क्या आएगा, तो बेसिकली दोस्तों 4 जो है वो 12.0 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, तो आंसर 0 आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे आंसर 0 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है 12.0, ये क्या है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये फ्लोट वैल्यू है, और मॉडुलस ऑपरेटर जो है दोस्तों हमारा फ्लोट वैल्यू में फेल हो जाता है, ये रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता है, तो क्या आ जाएगी यहाँ पे, इधर आ जाएगी, तो इधर आएगी। ये दोस्तों एक एक्सप्रेशन है, आप इसको पॉज करके कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप रिजल्ट मैच कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, दोस्तों 12.0 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6 मॉडुलस 2, 12.0 लिखा है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसका आंसर इरर हो जाएगा, आपको उसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि इरर आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्यों, ये इरर तभी आएगा जब एक फ्रैक्शनल वैल्यू का मॉडुलस किसी दूसरे नंबर से हो रहा हो, इन दोनों में कोई एक फ्रैक्शनल हो तो, और दोस्तों हमारा मॉडुलस कहाँ, यहाँ है, तो ये देखना पड़ेगा इन दोनों में कोई एक फ्रैक्शनल तो नहीं है, तो वो कैसे पता चलेगा, वो सॉल्व करके पता चलेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम ये फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास कितने ऑपरेटर हैं, तो देखो यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटर है, मॉडुलस भी है, डिवाइड भी है, प्लस भी है, तो दोस्तों कौन सा पहले चलेगा, तो उसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, इनकी प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी देख लेते हैं दोस्तों, तो प्रायोरिटी ये रही, सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है, स्टार, डिवाइड और मॉडुलस की, उसके बाद प्लस माइनस की, फिर इक्वल टू की। तो दोस्तों एक चीज तो क्लियर हो गई कि डिवाइड और मॉडुलस ये दोनों पहले चलेंगे कंपेयर टू प्लस और इक्वल टू से। चलिए ठीक है, एक चीज क्लियर होगी कि प्लस नहीं होगा पहले, क्या होगा, डिवाइड या फिर मॉडुलस होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में से कौन सा होगा पहले, क्यों, क्योंकि इन दोनों की प्रायोरिटी तो सेम है, तो अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा, तो दोस्तों बाइनरी ऑपरेटर की प्रायोरिटी में एक कंस्टेंट होता है कि अगर दो सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर एक साथ आ जाएं एक ही एक्सप्रेशन में, तो वो वाला ऑपरेटर पहले कैलकुलेट होगा जो उस एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, अगर मैं यहाँ से ट्रेस करना शुरू करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पर कौन आ रहा है, डिवाइड आ रहा है, उसके बाद फिर मॉडुलस आ रहा है, पहले कौन सा चलेगा, पहले डिवाइड चलेगा, तो पहले क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाय 6 जो है वो सॉल्व होगा, क्या आएगा दोस्तों आंसर, आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग, ये आएगा 0.8 समथिंग आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि ये तो पॉइंट में आ रहा है, पर नहीं, यहां पर एक और कंस्टेंट आ जाएगा हमारे बाइनरी ऑपरेटर का, वो क्या, कि अगर बाइनरी ऑपरेटर में ऑपरेंड दोनों इंटीजर हैं तो रिजल्ट क्या आता है, इंटीजर आता है, ऑपरेटर का बिहेवियर उसके ऑपरेंड पर डिपेंड करता है, अगर इन दोनों में से कोई एक फ्लोट होता तो आंसर फ्लोट में आता, पर ये तो दोनों इंटीजर हैं तो आंसर कैसा आएगा, इंटीजर आएगा, मतलब 0.8 में जो 0.8 है वो हट जाएगा, आंसर सिर्फ क्या आएगा, 0 आएगा, हम पॉइंट की वैल्यू को ऑटोमेटिकली हटा देंगे। तो ये 12.0 मैंने एज इट इज लिखा, प्लस से प्लस लगाया, 5 डिवाइडेड 6 का मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया, और मॉडुलस 2, मॉडुलस 2। अब दोस्तों ये प्लस और मॉडुलस में से कौन सा पहले चलेगा, यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है मॉडुलस की प्रायोरिटी आई है, मतलब मॉडुलस पहले चलेगा, तो 0 मॉडुलस 2 क्या आएगा दोस्तों रिजल्ट, तो यहाँ पे 0 जो है वो कैसा है, वो छोटा है 2 से, इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 आएगा, पर दोस्तों याद रखना यहाँ पे साइन पॉजिटिव नेगेटिव होगा तब ये चीज काम नहीं करेगी, क्योंकि माइनस 2 हुआ तो है ना, तब नहीं काम करेगी, ये सिर्फ 0 से बड़ा हो नंबर या 0 के बराबर तभी काम करेगा, ये 0 मॉडुलस 2 है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब 12.0 प्लस 0 तो दोस्तों यहाँ क्या आंसर होगा, 12 तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप फिर देखिए प्लस क्या एक बाइनरी ऑपरेटर है, और 12.0 इन दोनों में से एक ऑपरेंड कैसा है, फ्लोट है, 12.0 कैसा है, फ्लोट है, पॉइंट में है, इसका रिजल्ट किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, मतलब रिजल्ट क्या आएगा, 12.0 आएगा दोस्तों।
दोस्तों इसका आंसर एरर भी नहीं है, इसका आंसर 12 भी नहीं है, इसका आंसर क्या है 12.0 है। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आपके प्लेसमेंट से रिलेटेड एग्जाम में या गेट के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में, इन सब एग्जाम में दोस्तों इस तरीके ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं ऑपरेटर से रिलेटेड। दोस्तों आप वहां पर जल्दबाजी मत कीजिए, इसको प्रॉपर सॉल्व कीजिए और फिर देखेगा इसका आंसर क्या आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ और एक्सरसाइज मैंने कर रही है, ये एक कंक्लूजन निकालना है उसके लिए की है, चलिए देख लेते हैं वो कंक्लूजन क्या है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, अब वन मैंने यहाँ पर सबके डिवाइड में क्या रखा है 10 रखा है, मतलब राइट हैंड साइड पे क्या है 10 है। तो 158 मॉडुलस 10 का आंसर दोस्तों क्या आएगा, ये 15 टाइम्स डिवाइड करेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 8, 8 आएगा। उसी 158 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा दोस्तों तो क्या क्या आंसर आएगा 15.8। पर वही चीज फिर आ गई, ये 58 और 10 दोनों कैसे इंटीजर है, तो आंसर इसका पॉइंट में आ ही नहीं सकता, आंसर किस में आएगा इंटीजर में। तो 15.8 में क्या होगा, पॉइंट हट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 15 आएगा। फिर 104 मॉडुलस 10, आंसर क्या आएगा दोस्तों 4, 4 रिमाइंडर बचेगा। 104 डिवाइडेड बाय 10, आंसर कितना होगा 10.4, पर आंसर क्या आएगा 10, पॉइंट वैल्यू हट जाएगी। 86 मॉडुलस 10, आंसर क्या आएगा दोस्तों 6 रिमाइंडर बचेगा, तो 6, 86 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों 8.6, जिसमें पॉइंट वैल्यू हट जाएगी, तो क्या होता है 8 बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ पे ये कंक्लूजन निकला कि जब भी किसी नंबर को मैं 10 से मॉडुलस करता हूं तो हमेशा हमें क्या मिलता है, उसका लास्ट डिजिट मिलता है। अब ये देखिए, 158 का लास्ट डिजिट क्या था, 8 था, तो 8 मिला था। 104 का लास्ट डिजिट क्या था, 4 था, तो 4 मिला। 86 का लास्ट डिजिट क्या था, 6 था, तो 6 मिला। दोस्तों ये फिक्स है कि जब भी आप किसी नंबर का मॉडुलस 10 से करते हो तो उसका लास्ट डिजिट हमें मिलेगा, ये देखिए दोस्तों। और ऐसे ही दोस्तों क्या है, अगर आप किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हो तो भी हमें क्या होता है, तो हमें लास्ट डिजिट उसका हट जाता है। जैसे 15 8.10 किया तो 8 हट के क्या बचा, सिर्फ 15 बचा। 104 डिवाइड बाय 10 किया तो लास्ट डिजिट क्या था 4 था, तो 4 हट के 10 बचा। 86 डिवाइड बाय 10 किया दोस्तों तो क्या हुआ, 6 हट गया, तो 8, 8 बचा। तो दोस्तों ये कंक्लूजन निकल आया कि अगर मुझे कभी भी कोई नंबर है और उसका मुझे लास्ट डिजिट फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं 10 से उसका मॉडुलस कर दूंगा, और अगर मुझे उसका लास्ट डिजिट हटाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा। पर दोस्तों इसमें एक कंस्टेंट है, वो नंबर होना कैसे चाहिए, वो इंटीजर होना चाहिए, वो फ्लोट नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लोट हुआ तो मॉडुलस एरर दे देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मॉडुलस ऑपरेटर वर्क कैसे करता है, कैसे मॉडुलस ऑपरेटर का आंसर वन कब मॉडुलस का आंसर जो है वो पॉजिटिव रिमाइंडर आता है, कब मॉडुलस ऑपरेटर का आंसर जो है वो नेगेटिव रिमाइंडर आता है, और 10 से मॉडुलस करने पर लास्ट डिजिट बचता है और 10 से डिवाइड करने पर जो है वो लास्ट डिजिट हटता है। दोस्तों अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों से शेयर कीजिए दोस्तों, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और उसके बाद बेल आइकन आएगा तो बेल आइकन को जरूर दबाएगा दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।